पहले अमेरिका ने धारा 370 पर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरा था और अब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती कर दी है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में अमेरिका ने आर्थिक मदद में कटौती कर उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका ने केरी लूगर बर्मन एक्ट के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली प्रस्तावित आर्थिक मदद में 44 करोड़ डॉलर की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद पाकिस्तान को 4.1 अरब डॉलर की धनराशि दी जाएगी। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मदद में कटौती के फैसले के बारे में इस्लामाबाद को इमरान खान के अमेरिकी दौरे से 3 सप्ताह पहले ही आधिकारिक सूचना दे दी गई थी। इस्लामाबाद अमेरिका से यह आर्थिक मदद पाकिस्तान एनहेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2010 के जरिए हासिल करता है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 90 करोड़ डॉलर की बची हुई अमेरिकी मदद पाने के लिए पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह ही पेपा की समय सीमा बढ़ा दी थी। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने केरी लूगर बर्मन एक्ट पास किया था और इसे लागू करने के लिए सितंबर 2010 में पेपा पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत पाकिस्तान को 5 साल की अवधि में 7.5 अरब डॉलर की मदद दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम को पाकिस्तान की आर्थिक संरचना में निवेश करने के मकसद से लाया गया था, जिसके तहत देश के ऊर्जा और जल संकट को दूर किया जाना था। हालांकि पेपा समझौता के लागू होते ही पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। इसका असर अमेरिका की पाकिस्तान के लिए उसकी प्रतिबद्धताओं और आर्थिक मदद पर भी पड़ा। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक मदद में कटौती से पहले 4.5 अरब डॉलर की धनराशि आवंटित की जानी थी, जो अब घटकर 4.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने अमेरिका के फैसले पर कहा कि यूएस द्वारा दी जाने वाली धनराशि में कटौती केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं की गई है, बल्कि यह विकासशील देशों को दी जाने वाली मदद को घटाने की रणनीति का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के लगातार अनुरोधों को दरकिनार करते हुए अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि वह कश्मीर पर अपने पुराने रुख पर कायम है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसी ही खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए देखते रहे ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।